बैक टू माय चैनल राशि रेखा। तो हमारे गमले के कलर बिल्कुल डल हो चुके थे, डिसकलर हो चुके थे गमले के कलर। तो मैंने अपने गमले को क्या किया, न्यू लुक दिया है। रेड कलर से मैंने अपने गमले को, सारे गमले को मैंने पेंट किया है, देख सकते हैं। मैं बिल्कुल ही कलर डल हो चुके थे, डिसकलर हो चुके थे। देखिए चारों तरफ, इधर भी देखिए, ये फ्रंट वाले बालकनी में एंड बैक साइड के बालकनी में, दोनों बालकनी के गमले को मैंने कलर किया है, देख सकते हैं। आप लोग के भी अगर गमले के कलर थोड़े चेंज हो गए हैं तो आप लोग भी इस तरह से कलर कर दीजिए, बिल्कुल न्यू लुक आ जाएगी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये हमारे पुराने गमले हैं और मैं अभी न्यू लुक दूंगी अपने गमले, पुराने गमले को न्यू लुक दे दूंगी। देखिए टेराकोट, ये 250 ग्राम है। तो आप गमले को अगर पुराने गमले न्यू लुक कैसे देंगे ये मैं बता रही हूँ। इसमें से कम 5 या 6 गमले को आप कलर कर सकते हैं। पानी की क्वांटिटी देखिए, इतना पानी मैंने लिया है। अभी ये बहुत थिन है, मुझे ठीक चाहिए। लम्स को अच्छे से मिला लेंगे ताकि गांठें ना रहे। बहुत अच्छे से मैंने मिला लिया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए। देखिए टेराकोटा एक विशेष प्रकार का एक मटेरियल है। तो गमले को कलर करने के लिए मिट्टी के बर्तन, दीपक, ये सब को यूज़, इसी समय टेराकोटा यूज़ होते हैं। मिट्टी के बर्तन को कलर करने के लिए, गमले को, मिट्टी के जितने बर्तन आते हैं तो ये समय टेराकोटा ही यूज़ होता है। तो इसको कैसे, ये बहुत ही एक विशेष प्रकार के ये एक उपयोगी है। ये आपको हार्डवेयर के शॉप में मिलेगा। टेराकोटा जो है मटेरियल रेड कलर की आती है, ना रेड कलर बोलेंगे ना भूरे कलर, दोनों के बीच का ये कलर होता है। तो ये आपको हार्डवेयर के शॉप में मिलेंगे। पके हुए मिट्टी के बर्तन, गमले, ये सब क्या हुए, पके हुए हैं, घड़ा हो गए, घड़े जैसे जिसमें पानी पहले रखते, घड़ा, मटका, ये सब जो पके हुए मिट्टी के बर्तन पे ही टेराकोटा को चढ़ा के कलर करते हैं। गमले के लिए 50 गमले के लिए मैंने 3 kg मटेरियल यूज़ किया था। 3 kg मटेरियल को मैंने यूज़ किया। उसको तो मैं कैसे उसका मटेरियल तैयार किया वो तो मैं बताई हूँ। ठीक, ये बैक साइड के बालकनी में भी गमले को मैंने कलर किया। देखिए हे फ्रेंड्स, ये वर्ड है जो जिसको डव कहते हैं, तो वो आ गई है मेरे यहाँ पानी और दाना खाने के। चावल मैंने दे दिया तो वो चावल खाने और पानी पीने के लिए वो आती है। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी मेरे जो सब्सक्राइब उनको थैंक यू सो मच, और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक ये वीडियो रेसिपी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।